हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास सेवेंथ का मैथ्स करेंगे। बच्चों, चैप्टर जो हमारा चल रहा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन उस चैप्टर में हमें पता है कि पिछले सेशन में हमने जो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो नया टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं इसी चैप्टर में, वो है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम सीखेंगे कि भाई जो आपके पास एक्सपोनेंट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, किस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं चीजों को, जो नंबर्स हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को आप बोलेंगे मानक रूप। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका चैप्टर लिख देता हूँ। जो चैप्टर चल रहा है आपका घातांक और घात हम करने वाले हैं आज। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो टॉपिक है आज का वो है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप। तो क्या हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप क्या होता है, ये आप देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने ना, एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम। तो ये है, ये कुछ संख्या है, बताइए कितना इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, कोई बता सकता है। इसको बोलेंगे बच्चों हम 5 करोड़। क्या बोलेंगे? 5 करोड़ बोलेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख रहे हैं, है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, तो किस तरह से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को कितने जीरो से मल्टीप्लाई किया है वो आप अलग से लिख देंगे। तो देखिए 5 के सामने 7 जीरो थी, है ना, तो मैंने इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 1 करोड़ मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, जो 1 करोड़ है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 × 10 कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पे 1 2 3 5 6 7, तो मैंने 7 × 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी तो 1 करोड़ ही होगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ कितने, लिख सकता हूँ 10 की घात 7 लिख सकता हूँ इसको मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो यानी कि जो ये 1 करोड़ है इसको हम सीधे लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 × 10 की पावर 7, ये क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इसको मानक रूप भी हम बोल सकते हैं, इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, है ना। एक और एग्जांपल हम करेंगे, इसको नोट डाउन करो पहले। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 316, ये नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया, तो हम इसको जो जीरोस हैं उनको अलग कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम लिख तो सकते हैं 316 × 10 के ऊपर पावर 8, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 जीरो हैं, 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए 10 के ऊपर पावर 8 ये लिख दिया। लेकिन जो ये 316 है इसको हमको और छोटा करके लिखना है, और शॉर्ट करके लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं अब, जो 316 है मतलब हम ये मान सकते हैं कि इसके यहाँ पे डेसिमल है, आगे जीरो जीरो होंगी जो भी होगा, लेकिन इसका डेसिमल है हमारा यहाँ पे, ठीक है, 6 के बाद है, कोई डिजिट नहीं है, इसलिए इसको 316 बोला। अब अगर हम चाहते हैं कि ये डेसिमल दशमलव यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाए, मतलब बाएं ओर शिफ्ट हो जाए, तो क्या करते हैं हम, इसको तो हम शिफ्ट कर देते हैं 30.316, लेकिन इसको 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे आया, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं हम, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में मैं समझाता हूँ आपको। 316 है, अब इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से भाग कर सकते हैं ना, और किसी नंबर को 100 से भाग किया है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। 100 से मैंने, ये 100 से 100 कट गया, वापस से 316 रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ है, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जो ये नीचे है 20, इसके नाम का मैंने क्या कर दिया, ऊपर डेसिमल लगा दिया, लेफ्ट से राइट से 2 डिजिट छोड़ के,
तो ये हो गया 3.16 और ये 100 एज इट इज हो गया। तो ये है थोड़ा हा और डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो किस तरह से आप अगर डेसिमल शिफ्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही जीरो से जितने आपने डिजिट डेसिमल शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 316, तो यहाँ पे अगर 10 पॉइंट लगाएंगे तो 10^2 × 10^8 ये हो जाएगा। 100 को हम 10^2 लिखते हैं इसीलिए। अब देखिए जो 10^2 है ना, 10^2 और 10^8, इस केस में हमारे पास क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं 10^2 + 8 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10^10। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसका मानक रूप। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज करेंगे 13.3, पर्सनली करेंगे 13.3। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो कुछ संख्याएं आपके पास होंगी, उनको आपको क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। जैसे कि एक नंबर है 279404, इसको अगर आपको प्रसारित रूप में लिखना हो, प्रसारित रूप मतलब बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे एक बार ट्राई कीजिए आप, तो इसको देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले एक छोटा नंबर की मदद से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्रसारित रूप क्या होता है, किस तरह से हम लिख सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 357, ठीक है। अब आपको पहले तो ये पता होगा कि ये वंस होता है, ये टेंस होता है और ये हंड्रेड्स प्लेस होता है, सबको पता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई वंस की जगह तो मैंने ये सेवन लिख दिया और जो टेंस है उसमें मैंने 50 लिख दिया और फिर जो हंड्रेड्स है उसकी जगह मैंने लिख दिया 300, ठीक है। तो अब देखिए 300 जो 300 होता है प्लस 50 और प्लस 7, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 357 ही आएगा, है ना। तो 357 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, जो वंस प्लेस पे है उसको एक से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। जो वंस प्लेस पे है उसको हमने एक से मल्टीप्लाई किया, जो टेंस प्लेस पे है उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और जो हंड्रेड्स प्लेस पे है उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, जो थाउजेंड्स प्लेस पे है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो 10,000 प्लेस पे है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। ये छोटा नंबर लेके मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये थोड़ा बड़ा नंबर है लेकिन हमने काम तो वही करना है यहाँ पे। तो इसको देखे करके देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन। अब देखेंगे कि जो आपके पास ये दो है, इसके आगे कितनी जीरो होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, दो के आगे कितनी जीरो होनी चाहिए, कितना हो गया ये 200,000। उसके बाद 7 के आगे 4 जीरो होने चाहिए तो ये 70,000 आ जाएगा, प्लस 9 के आगे 3 जीरो होनी चाहिए तो ये हम 9,000 इसको लिख सकते हैं। मतलब आपके पास इन सबको ऐड करके नंबर यही आएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद 4 के आगे 2 जीरो होंगी, देख लीजिए 4 के आगे 2 जीरो यहाँ पे हैं, और फिर क्या है, उसके बाद तो हमारे पास 0 है, तो इसके आगे कितनी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद प्लस 4 हम कर देंगे, ठीक है। फर्दर इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 100,000 प्लस 7 × 10,000 प्लस 9 × 1,000
प्लस 4 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 होता है वैसे ये, और 4 इंटू 1 होता है, ठीक है। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि 10 के आगे 5 जीरो हैं, तो 10 की पावर 5 में लिख सकता हूं। 1 के आगे 5 जीरो है ना, तो हम 10 की पावर 5 यहां पे लिख सकते हैं, प्लस 7 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 और प्लस ये 10 इंटू 0 0 ही होता है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, या फिर 0 इंटू 10 की पावर 1 ही आएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 1 भी 10 नहीं है, इसलिए मैंने 10 की पावर 0 लगा दी। और 10 की पावर 0 हमेशा 1 ही होता है, किसी के भी अगर घात हम 0 लेंगे तो 1 हो जाता है, ये नियम आपको याद होगा। तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब इसी तरह से आप जो प्रसारित रूप है संख्याओं का वो लिखेंगे, और क्वेश्चन हम करेंगे और उनका आप प्रसारित रूप लिखने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसमें जो भी संख्याएं हैं इनका प्रसारित रूप आप लिख दीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, और ये जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कीजिए। ये है आपके पास क्वेश्चन, इसमें आपको जो भी संख्याएं दी गई हैं, दो संख्या दी गई है उसका प्रसारित रूप आप लिखेंगे, जल्दी से इसको लिखिए। जीआईसी बाघ वाला, बेटा आपका आंसर आ गया, जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आ गया आपका, बताइए आंसर, बताइए मुझे जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए आंसर, बोलिए आपका क्या आया है। 3 × 10 घाट 6, 0 × 10 घाट 5, 0 × 10 घात 4, 6 × 10 घात 3, 1 × 10 घात 2, 9 × 10 घात 1, 4 × 10 घाट 0। ठीक है बेटा, बैठ जाएं आप। तो ये आंसर आया है जीआईसी बाघ वाला से। और किसी का भी आंसर अगर आता है तो बच्चों चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेज दें। तब तक के लिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, इसके आगे कितनी जीरो आएंगी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो हम लिख सकते हैं 0 + 0 + 0 + 6, इसके आगे आएंगी 4 जीरो 3 जीरो प्लस 1 के आगे 2 जीरो प्लस 9 के आगे 1 जीरो और प्लस 4, ये आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 3 इंटू ऐसे लिख देंगे प्लस 0 इंटू, अगर इसके सामने आप देखें तो कितनी जीरो आनी चाहिए इस जीरो के आगे, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो आनी चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, है ना, प्लस फिर से ये जीरो है और इसके आगे आनी चाहिए 4 जीरो प्लस 6 इसके आगे आनी चाहिए 3 प्लस। अब आगे अगर इसको करेंगे तो इसके ऊपर देख लीजिए कितनी घात हम लगा सकते हैं, 10 के ऊपर कितनी जीरो है, 6 जीरो है, तो यहाँ पे 6 घात आ जाएगी प्लस 0 इंटू 10 के ऊपर 5 घात प्लस 0 इंटू 10 के ऊपर यहाँ पे 4 जीरो है तो मैं घात 4 लगा दूंगा प्लस 6 इंटू 10 के ऊपर यहाँ पे 3 जीरो है तो घात 3 हो जाएगी प्लस 1 इंटू 10 के ऊपर घात 2 प्लस 9 इंटू 10 के ऊपर घात 1 और प्लस 4 इंटू 10 के ऊपर घात 0 आ जाएगी। 10 के ऊपर घात 0 मतलब 1 ही होता है। तो जीआईसी बाघ वाला से जो आंसर आया है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही आंसर है आपका।
तो बाकी बच्चे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जिसका अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो बच्चों एक क्वेश्चन और हम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह का रहेगा। देखिए यहाँ पे है 2806196, इसका प्रसारित रूप लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दो के आगे कितनी जीरो आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आनी चाहिए। तो आप बिल्कुल इसी तरह लिख सकते हैं, 8 है इसके आगे 5 जीरो आएंगी, 0 है प्लस 6 है। अब इसको हम सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कितनी जीरो आनी चाहिए यहाँ पे, 4 आनी चाहिए एक के आगे, तो हम 4 जीरो लगा देंगे। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁶ प्लस 8 × 10⁵ प्लस 0 × 10⁴ प्लस 6 × 10³ प्लस 1 × 10⁪ प्लस 9 × 10⁹ और प्लस 6 × 10⁰। इस तरह से हम लिख सकते, इसको भी आप नोट डाउन कीजिए आपके लिए होमवर्क के लिए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इनका आपको प्रसारित रूप लिखना होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो आपने आज टॉपिक किया है, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो घर पे जाके पहले क्वेश्चन करिए, उनमें से कोई अगर नहीं आता है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो अगले सेशन में आप स्टार्टिंग में ही पूछ लेना। तो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ